दोस्तों आज हम काम करेंगे ब्लोज़र मोटर का। तो ये गाड़ी है स्कॉर्पियो S10 और इस गाड़ी का जो ब्लोज़र मोटर है वो ऑन नहीं हो रही है। ये हमारा ब्लोज़र मोटर ऑन करने का स्विच है, तो इससे जब हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो इसमें हमारी ब्लोज़र मोटर की स्पीड बढ़ती है, और नीचे की तरफ जब हम इसे घुमाते हैं तो हमारी ब्लोज़र की मोटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो अभी हम इसे ऊपर की तरफ घुमाते हैं, ये हमने पहले कट पर ऑन कर दिए, ये अभी हम दूसरे कट पर ऑन करेंगे, ये हमने दूसरे कट पर, तीसरे, चौथे, इस तरीके से हमने बारी बारी से ये फुल पे कर दी है। लेकिन हमारी मैं आपको चेक करा दूं, हमारी ब्लोज़र मोटर इसकी ऑन नहीं हुई है। ये हमारा यहाँ डिजिटल मीटर में तो शो हो रहा है कि हमारी मोटर फुल कट पर चल रही है, लेकिन ये हमारी यहाँ पर जो है ब्लोज़र मोटर ऑन नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारी कोई भी हवा नहीं आ रही है, मैं आपको चेक करा दूं। अगर यहाँ से हवा आती तो ये हमारी पॉलीथीन जो है आगे की तरफ बढ़ती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। जबकि हमारी इधर से मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी ब्लोज़र मोटर फुल स्पीड पर इस समय चालू है। तो देखते हैं इसमें क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारी ब्लोज़र मोटर से हवा नहीं आ रही है। अभी ये हम दूसरे मोड पर सेट कर देते हैं, ये हमने दूसरे मोड पर सेट कर दिया लेकिन यहाँ पर भी हवा नहीं आई। ये हमने यहाँ तीसरे मोड पर सेट कर दिया, यहाँ पर भी हवा नहीं आई। यहाँ पर हम स्पीड कम करते हैं, यहाँ पर भी हवा नहीं आ रही है, वहीं स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी हमारी ब्लोज़र मोटर ऑन नहीं हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारी ब्लोज़र मोटर ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे डैक्सबोर्ड का फ्यूज बॉक्स का कवर है, ये हमारे डैक्सबोर्ड में जो फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है उसका हमारा ये कवर है, और इस पर हमारे फ्यूज बॉक्स की लोकेशन दे रखी होती है कि हमारा कौन सा फ्यूज कितने एम्पियर का और वो किस चीज़ का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा ये जो ब्लोज़र मोटर का फैन का जो फ्यूज है यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो है इसके नीचे हमारा पावर विंडो का फ्यूज लगा हुआ है जो कि 40 एम्पियर का है। तो दोस्तों 40 एम्पियर का हमारा पावर विंडो का फ्यूज है, वहीं पर ये हमारा 40 एम्पियर का ब्लोज़र मोटर का फ्यूज है। हम ब्लोज़र मोटर के फ्यूज को बाहर निकालेंगे और उसे चेक करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ ये ब्लोज़र मोटर का जो फ्यूज है ये सबसे लास्ट में लगा हुआ है, जो कि फ़ोन में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमने ब्लोज़र मोटर के फ्यूज़ को निकाल लिया है जो कि 40 एम्पियर का हमारा फ्यूज है, और ये फ्यूज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये फ्यूज जो है ख़राब है, ये फ्यूज जो हमारा उड़ चुका है और ये जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ख़राब हुआ होगा। तो हम आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करा देते हैं इस फ्यूज के लिए। तो मल्टीमीटर की मदद से चेक करने के लिए पहले हमें मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पर सेट करना होगा। ये हमारा मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पर हमने सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की एक वायर को फ्यूज़ की एक पिन में लगाएंगे, वहीं दूसरी मल्टीमीटर की दूसरी वायर को हम फ्यूज़ की दूसरी पिन में लगाएंगे। ये तो दोस्तों हमने मल्टीमीटर की एक वायर को फ्यूज़ की एक पिन पर, वहीं मल्टीमीटर की दूसरी वायर को फ्यूज़ की दूसरी पिन पर लगा लिया है, और ये हमारा मल्टीमीटर है जो कि पहले से ही कनेक्टिविटी मोड पर सेट है, और ये किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब हमारा फ्यूज़ ख़राब है, और वहीं ये सामने से भी नज़र आ रहा है कि हमारा फ्यूज़ जो है शॉर्ट है। तो अभी हम इसमें दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे। दूसरा फ्यूज सबसे पहले हम उसको चेक कर लेंगे, बाहरी हम उस फ्यूज की कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे कि ये सही है ख़राब, उसके बाद में हम इसे गाड़ी में लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर लगा हुआ है, निकालने और बैठाने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हमने ये 40 एम्पियर का दूसरा फ्यूज ले लिया है जो कि बिल्कुल हमारा फ्यूज सही है। अब हमें पहले इस फ्यूज की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी चेक करने के बाद में हम इसे गाड़ी में लगा देंगे। तो फ्यूज की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की दोनों वायर को इस फ्यूज से बाहर निकालना होगा। तो ये जो हमने दूसरा फ्यूज लिया है पहले इसके हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर के एक वायर को फ्यूज में लगा लिया है, वहीं दूसरी वायर को भी हम फ्यूज में लगाएंगे। ये हमने मल्टीमीटर की दूसरी वायर को भी सिंपली फ्यूज में लगा लिया है। ये हमारी मल्टीमीटर जो कनेक्टिविटी बताने लगा, आपको बीप के बाद सुनाई दे रही है, ये हमारा मल्टीमीटर जो कनेक्टिविटी बता रहा है। यहाँ पर हमारा फ्यूज में दोनों पिनें लगी हुई हैं। अब हम इस फ्यूज को गाड़ी में लगा देंगे, गाड़ी में जो हमारा डैशबोर्ड में फ्यूज बॉक्स है उसमें हम लगा देंगे। तो अभी हम इस फ्यूज को जो है डैशबोर्ड में लगाते हैं। तो दोस्तों हमने नए फ्यूज को फ्यूज बॉक्स में लगा दिया है। अब हम ब्लोज़र मोटर को ऑन करते हैं। ये हमारी ब्लोज़र मोटर ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। इस समय हमारी ये सबसे लो स्पीड पर, ये हम स्पीड को बढ़ाते हैं। स्पीड भी हमने बढ़ा दी लेकिन अभी भी हमारी ब्लोज़र मोटर ऑन नहीं हुई। ब्लोज़र मोटर की फिर मैं आपको स्पीड हवा चेक करा दूँ, ये हमारी बिल्कुल भी हवा ब्लोज़र मोटर नहीं दे रहा है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि फ्यूज सही होने के बाद में भी क्यों हवा नहीं दे रहा है। तो हम ब्लोज़र मोटर पर अभी इसके करंट चेक करेंगे कि ब्लोज़र मोटर पर हमारा 12 वोल्ट करंट पहुँच रहा है या नहीं। तो दोस्तों ब्लोज़र मोटर पर करंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम ब्लोज़र मोटर के सॉकेट को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा ब्लोज़र मोटर का सॉकेट है जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा ब्लोज़र मोटर का सॉकेट बाहर आ चुका है। अब हम इस पर करंट चेक करेंगे जो कि हमारा DC 12 वोल्ट का करंट आता है। तो करंट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पर सेट करना होगा। ये हमारा जो मल्टीमीटर DC 12 वोल्ट पर सेट हो चुका है। ये हमारा हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। अब उसके बाद में हम मल्टीमीटर की एक वायर को ब्लोज़र मोटर की एक वायर पर, वहीं मल्टीमीटर की दूसरी वायर को ब्लोज़र मोटर के दूसरे तार पर लगाएंगे। ये हमने
तो ये हमने मल्टीमीटर के दोनों वायरों को ग्लोजर मोटर के कपल में लगा दिया है। अब मल्टीमीटर में देखते हैं, तो ये हमारा मल्टीमीटर में जो है 12 वोल्ट का करंट जो है 11.57 वोल्ट का जो करंट है वो आने लगा है। अब चेक करते हैं कि ग्लोजर मोटर क्यों नहीं चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीमीटर के दोनों वायरों को बाहर निकाल लेंगे। ये हमने दोनों वायरों को बाहर निकाल लिया है, अब इसे चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी तार है, और ये तार जो है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है, और ये हमारी जो तार है वो अंदर से जल चुकी है, और जलने की वजह से ये नीचे करंट नहीं दे रही है पिन के लिए, और पिन से करंट जाता है हमारा, और इस पिन से हमारे करंट जाता है जो हमारी ब्लोजर मोटर होती है इसकी पिनों पर, तो इसकी पिनों पर करंट नहीं जा पा रहा है जिसकी वजह से हमारी ब्लोजर मोटर ऑन नहीं हो रही है। तो अभी हम इस तार को सही कर लेते हैं। अब हम इस तार को सही कर लेंगे, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये हमारी रिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये जो हमारी रिस्टेंस है इसके भी तार हमें जले हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम इसे भी चेक करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इसके जो पिन है ये हीट हो चुकी है, हीट होने की वजह से ये जल गई है, इसमें भी दिक्कत है, तो इसमें भी हम अलग से एक तार डाल लेंगे जिससे कि हमारे करंट बराबर मिलता रहे, जिससे कि हम जब भी ब्लोजर मोटर को स्पीड में हाई स्पीड में चलाएं तो हाई स्पीड में सही काम करें, और लो स्पीड में चलाएं तो लो स्पीड में, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी ब्लोजर मोटर हाई स्पीड और लो स्पीड में चलती है। तो हम इसमें भी सिंपली नए तार डाल लेंगे, और इस कपलर में भी नए तार डाल लेंगे, दोनों में हम नए तारों को डाल लेंगे, और यही वजह रही होगी जो कि हमारा फ्यूज ख़राब हो गया है। इस फ्यूज के ख़राब होने की भी यही वजह होगी, क्योंकि यहाँ पर तार हीट हो गई हैं, और हीट होने की वजह से हमारा फ्यूज जल गया। तो अभी हम इन दोनों तारों को सही कर लेते हैं। तो हमने जो ब्लोजर मोटर फैन का जो कपलर था उसे भी सही कर लिया, और उसके बाद में जो उसकी रिस्टेंस रहती है उसे भी सही कर लिया। अब करते हैं ब्लोजर मोटर को ऑन, ये हमारी ब्लोजर मोटर ऑन हो चुकी है। अब इसकी हम स्पीड को, ये हमारी स्पीड ऑटोमेटिक ही फुल पर हो गई है, इसे हम कम करते हैं, ये हमारी कम हो गई, और कम होने के बाद में हम इसकी स्पीड जो बढ़ाते हैं, ये हमारी स्पीड फुल हो चुकी है। अब हम आपको चेक कराते हैं पॉलीथीन की मदद से। तो ये जो हमारी पॉलीथीन है, ये हमने पॉलीथीन रख ली यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं ये जो पॉलीथीन है ये उड़ रही है बराबर, ये पॉलीथीन जो है हवा में उड़ रही है, इसे हम दबाते हैं इस तरफ, ये हमारी पॉलीथीन दबाते ही फिर हवा में उड़ने लगी है। तो ये हमारा ब्लोजर मोटर का काम कम्प्लीट हो चुका है। इसमें जो था सबसे पहले रहा हुआ कि इसकी तारें जली हैं, और तारें जलने की वजह से ही हमारा फ्यूज ख़राब हुआ है, जो कि अब हमने तारें भी सही कर दी हैं और फ्यूज भी दूसरा लगा दिया है। ये हमारा ब्लोजर मोटर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको हवा की भी आवाज़ सुनाई देती होगी कि यह देखो हमारी हवा जो है आ रही है। अब हम इसे लो स्पीड करते हैं, ये हमारी हवा की जो है स्पीड स्लो हो गई है, ये हमारी हवा की स्पीड जो है बिल्कुल स्लो हो गई है, और हम इसकी अब स्पीड को बढ़ाते हैं। ये हमने फुल स्पीड कर दी इसकी हवा की, और ये हवा की फुल स्पीड हो गई है, और जिसकी वजह से ये हमारी पॉलीथीन भी उड़ने लगी है। हवा की से फुल कट पर होने की वजह से ये हमारी पॉलीथीन भी उड़ने लगी है। हमारा काम ब्लोजर मोटर का कंप्लीट हो चुका है।